जुडिशियल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आंध्रा तेलंगाना में हम जो हियरिंग के वास्ते आए हैं, जो यहाँ जो 14 मुस्लिम कास्ट को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में मिलाने के वास्ते और 13 हिंदू कास्ट को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में मिलाने के वास्ते तो हियरिंग पब्लिक सुनवाई हुई। पब्लिक सुनवाई में वो लोग कास्ट पीपल आए और उसका खिलाफ वाले भी आके इतराज़ करे, तो पूरा हम बहुत सुनवाई पब्लिक सुनवाई बहुत अच्छी हुआ और उसको पूरा रिपोर्ट और उसका उसका जन सुनवाई के जो भी रिकॉर्ड करे वो पूरा कंसिडर करके जो अप्रोप्रिएट जो भी फैसला है दिल्ली जाके फिर हम फैसला करेंगे। NCPC जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बहुत रिकमेंडेशंस करे और इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना, नहीं तो एम्पावरमेंट करना ग्रीवियंसेस को कंप्लेंट्स को उसको अटेंड करने के वास्ते, 27% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हो रहा नहीं हो रहा वो भी ओवरसी करने के वास्ते वो हम रिकमेंड करें, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पेंडिंग है। और क्रिमिनल लेयर भी इजाफा करना 6 लाख से अभी 10.5 लाख करना बोल के भी हम रिकमेंड करें। और सेंट्रल ओबीसी में 27% को उसमें 3 क्लासिफिकेशन करना, क्योंकि वांडरिंग क्लासेस है, नामडिक सेमी नामडिक एबोरिजिनल ट्राइब्स है, वो लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा, उस वास्ते वो जाति को एक सेपरेट क्लास करके उसको भी स्पेशल उसको एक परसेंटेज ईयर मार करके उसको इम्प्लीमेंट करना, नहीं तो वो लोगों को कुछ भी जॉब नहीं आ रहा। उस वास्ते मोस्ट डिफरेंट क्लासेस को बहुत इंपॉर्टेंट देना बोल के हम रिकमेंड करें, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पेंडिंग है, 3 क्लासेस को सेपरेट करना बोल के। वैसे तो कब तक डिसीजन गवर्नमेंट इंडिया को हम रिकमेंड किए वो लोग फिर अपने वो लोग डिसाइड करके, क्योंकि ये तो फॉर क्लासिफिकेशन का तो मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस जाता है, तो 10.5 लाख को प्राइम मिनिस्टर कहने जाना पड़ता, वो DOPT का है, उस वजह से वो लोग वहाँ भी जाए तो फिर मिनिस्ट्री अपने PM को सर्कुलेट होता फिर हो जाएगा। और एम्पावरमेंट का भी वो अभी मिनिस्ट्री क्लियर करे, अभी कैबिनेट डिसीजन वो अपने बिल प्रिपेयर बिल अपने पार्लियामेंट में फिर पेश करना, तब उन्हें एम्पावरमेंट मिल जाए।